हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आपके पास क्रेडिट कार्ड तो होंगे ही। आजकल तो सभी के पास क्रेडिट कार्ड होते हैं। आपके पास नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, आप अपना मनचाहे क्रेडिट कार्ड वहां से अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी है तो ऑब्वियसली आप उस कार्ड को यूज करते होंगे, और अगर आप कार्ड को यूज करते हैं तो आपको कार्ड का पेमेंट भी करना पड़ेगा। कितना अच्छा हो कि अगर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने पर भी हमें इनकम हो। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड यूज करने से तो आपको कमाई होती होगी, लेकिन मार्केट में ऐसे बहुत ही कम एप्लीकेशन है जहाँ से अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं तो आपको इनकम होती है, यानी कि आप कुछ कैशबैक अर्न करते हैं। ऐसे में बहुत से लोग क्रेड यूज करते हैं, मैं भी क्रेड यूज करता हूँ। क्रेड एक बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करने के लिए। लेकिन क्रेड के अलावा भी एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करते हैं तो आपको क्रेड से भी अच्छी इनकम होगी, यानी क्रेड से भी ज्यादा कैशबैक मिलेगा। उस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों पोस्टपे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पोस्टपे के थ्रू क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करके दिखाऊंगा। साथ ही आपको दिखाऊंगा कि आपको पोस्टपे के थ्रू क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने से कितना कैशबैक मिल सकता है। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूजर है तो आपके लिए वीडियो फायदेमंद होगी। उससे पहले दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट में देखिए, मैंने अपने पोस्टपे अकाउंट से क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करके करीब 3700 रुपए से ज्यादा का कैशबैक कमा लिया है। वैसे दोस्तों, पोस्टपे के थ्रू आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करके तो अर्न कर ही सकते हैं, साथ ही पोस्टपे के कार्ड को यूज करके भी अप टू 5% का कैशबैक कमा सकते हैं, यानी कि महीने में 1000 रुपए की आप इनकम अपने पोस्टपे अकाउंट से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं पोस्टपे के थ्रू आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट किस तरह से कर पाएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने पोस्टपे के लिए अप्लाई नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, आप लिंक पे क्लिक करके पोस्टपे के अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा आपका सिबिल स्कोर होगा उस हिसाब से आपका पोस्टपे की एक लिमिट मिल जाएगी, जो कि 500 से लेकर 5 लाख रुपए के बीच कुछ भी हो सकती है। मेरे केस में मुझे केवल 7000 की लिमिट मिली है। इनिशियली मुझे तो 2000 की लिमिट मिली थी, लेकिन जब मैंने अपना पहला क्रेडिट कार्ड का पेमेंट पोस्टपे के थ्रू किया तो मेरी लिमिट इंक्रीज होकर 7000 हो गई। लेकिन मात्र 7000 की लिमिट होने के बावजूद आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, मैंने अभी तक 3700 रुपए का कैशबैक पोस्टपे के थ्रू कमा लिया है। तो वो कैसे, वही आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को पेमेंट करने के लिए आपको पोस्टपे के एप्लीकेशन को ओपन करना है। पोस्टपे के एप्लीकेशन को ओपन करने से आपके सामने इस तरह की होम स्क्रीन आ जाएगी, जहां पे आपको आपकी लिमिट दिखाई देगी, लेटेस्ट आपके ट्रांजैक्शन दिखाई देंगे। साइड में आप देख सकते हैं पे एनी क्रेडिट कार्ड बिल, तो आपको पे एनी क्रेडिट कार्ड बिल पे क्लिक करना है। अब दोस्तों, मैंने जैसे ही पे एनी क्रेडिट कार्ड बिल पे क्लिक किया, आप यहां देख सकते हैं मेरे कई सारे क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी यहां पे लिंक्ड है, जिनका मैंने ऑलरेडी पोस्टपे के थ्रू पेमेंट किया हुआ है। सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरा सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड है, उसके बाद मेरा SBI का क्रेडिट कार्ड है। अब दोस्तों, एक बात आपको बता दूं, जब भी आप पोस्टपे के थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करेंगे तो आपको एटलीस्ट 4 डेज का टाइम अपने हाथ में रखना है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर टॉप में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पेमेंट शुड रिफ्लेक्ट इन योर कार्ड इन 4 वर्किंग डेज, यानी कि अगर आपके कार्ड की ड्यू डेट 1 या 2 दिन में होने वाली है तब आप पोस्टपे के थ्रू अपने बिल का पेमेंट नहीं करिए। अगर आपकी ड्यू डेट में 5 से 6 दिन या 1 हफ्ते का वक्त बचा है तभी आप पोस्टपे के थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड भी होते हैं जिनका पोस्टपे के थ्रू पेमेंट करने से इंस्टेंटली पेमेंट सेटल हो जाता है, लेकिन बहुत सारे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट होने में अप टू 4 डेज का टाइम लग सकता है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है वाई शुड आई पे माई क्रेडिट कार्ड बिल ऑन पोस्टपे। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप पोस्टपे के थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करेंगे तो आपको 0.5% का कैशबैक मिलेगा। किसी भी और एप्लीकेशन से या बैंक एप्लीकेशन से आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं तो आपको 54 भी नहीं मिलती। एकमात्र क्रेडी एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं तो आपको हर पेमेंट पे 4-5 रुपए, 8 रुपए, मैक्सिमम 10 रुपए मिल जाते हैं। वहां पे कैशबैक कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन पोस्टपे के थ्रू आप जितना भी अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करेंगे आपको फ्लैट 0.5% का कैशबैक तो मिलेगा ही मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए 20,000 का अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पोस्टपे के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 100 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। वही 20,000 का पेमेंट अगर आप क्रेड से करेंगे
तो आपको हार्डली 20 से 30 रुपए की कमाई होगी। तो दोस्तों अगर आपको अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है तो यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं ऐड कार्ड का ऑप्शन है, आपको ऐड कार्ड पे क्लिक करना है। ऐड कार्ड पे क्लिक करने के बाद आपको जिस कार्ड का पेमेंट करना है उस कार्ड के 16 डिजिट नंबर यहाँ पे एंटर करने हैं, उसके बाद उन 16 डिजिट नंबर को री एंटर करना है और कन्फर्म करना है। मेरे ऑलरेडी कई सारे कार्ड यहाँ एडेड है तो मैं अपने सिटी बैंक कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे पोस्ट पे नाउ पे क्लिक करता हूँ। पोस्ट पे नाउ पे क्लिक करने के बाद मुझे फिर से अपने सिटी बैंक के 16 डिजिट नंबर को यहाँ पे कन्फर्म करना है, री एंटर करना है और फिर कन्फर्म पे क्लिक करना है। कार्ड नंबर एंटर करने के बाद नेक्स्ट पेज में आपको अमाउंट यहाँ पे एंटर करना है, आप कितना अमाउंट पोस्ट पे के थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को पेमेंट करना चाहते हैं। दोस्तों मुझे अपने क्रेडिट कार्ड का कोई बिल अभी पेमेंट नहीं करना, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के लिए 100 रुपीज एंटर करके दिखाता हूँ। तो मैंने 100 रुपए यहाँ पे एंटर कर दिए। 100 रुपए एंटर करने के बाद कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे पेमेंट ऑप्शंस आ गए हैं, जैसे कि आप UPI, गूगल पे, नेट बैंकिंग और किसी भी अदर बैंक के डेबिट कार्ड के थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक और बेनिफिट आपको मिलेगा, अगर आपके डेबिट कार्ड में मंथली कुछ कैशबैक रिवॉर्ड सिस्टम है तो आप उस डेबिट कार्ड को यूज कीजिए। अगर आप HDFC का मिलेनियर डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो आप उस डेबिट कार्ड से यहाँ पे पेमेंट कीजिए, तो आपको अपने HDFC के मिलेनियर डेबिट कार्ड में भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे जिन्हें आप कैश में रिडीम कर सकते हैं। मैं तो जनरली अपने इंडसइंड बैंक के डेबिट कार्ड को यूज करता हूँ, जहाँ पे मुझे अच्छे खासे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं डेबिट कार्ड को यूज करने पे, और उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को मैं कैश में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 0.5% का कैशबैक यहाँ मिल गया और डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करने पे भी आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स एज ए कैशबैक मिलेंगे, तो ये भी आपको एक बेनिफिट मिल गया। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने अब तकरीब 3,500 रुपए का कैशबैक पोस्ट पे के थ्रू कमा लिया है, जहाँ पे काफी सारा कैशबैक मुझे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने पे मिला है। वहीं आप यहाँ देख सकते हैं 5% का जो कैशबैक दिखा रहा है वो मुझे पोस्ट पे का कार्ड यूज करने पे मिला है। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 5% का कैशबैक आप किस तरह से पोस्ट पे से कमा सकते हैं तो इस बारे में मैंने वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, उससे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि आप 5% का एक कैशबैक पोस्ट पे के थ्रू किस तरह से कमा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को प्लीज एक लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।